ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल जी के फोन में जो आज ईडी जानना चाह रही है? तो अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन से ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है। ईडी खुद ये बयान देती है कि जो फोन अरविंद केजरीवाल जी का हमने जब्त किया है वो मात्र कुछ महीने पुराना है। तो फिर मैं ईडी से पूछना चाहती हूं कि मात्र कुछ महीने पहले पुराने फोन को ईडी क्यों देखना चाहती है, जब उन्हें खुद पता है कि वो उस पॉलिसी के समय का फोन नहीं है। ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल जी के फोन में जो आज ईडी जानना चाह रही है? क्योंकि ये किसी जांच से तो जुड़ा नहीं हो सकता, ये एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन से तो जुड़ा नहीं हो सकता। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल के क्या मिलेगा? कुछ महीने पुराने फोन में लोकसभा चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी मिलेगी। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल की इंडिया अलायंस के बाकी सब लीडर्स के साथ साथ क्या बातचीत चल रही है वो मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के फोन में कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी आम आदमी पार्टी जिन 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका सर्वे मिलेगा। आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका पूरा कैंपेन प्लान मिलेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या कम्युनिकेशन और मीडिया और सोशल मीडिया प्लान है ये मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन से ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन को देखकर जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सीटों में, पंजाब की सीटों में, गुजरात की सीटों में, असम की सीटों में क्या चुनावी स्ट्रेटजी है। वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है वहां पर सर्वे क्या कह रहे हैं। वो जानना चाहती हैं कि जो इंडिया अलायंस ने देश भर में चुनावी सर्वे करवाए हैं वो सर्वे क्या कह रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए।